देश के अन्नदाता की एक ही मांग होती है कि उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम मिले, आमदनी अच्छी हो जिससे कि उनका घर चल सके। केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी लगातार इस दिशा में प्रयासरत है। हरियाणा सरकार ने जल्द से जल्द विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विशेषज्ञों की कमेटी बनाई जाएगी जो सरकार को किसानों की आय बढ़ाने के लिए सुझाव देगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 60% लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। देश का अन्नदाता दिन रात मेहनत करके देशवासियों का पेट भरने का काम करते हैं। इन्हीं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई केंद्रीय योजनाएं लागू की हैं जिससे किसानों को उनकी फसलों का लाभ मिले और उनकी आमदनी बढ़े। देश के किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है, सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना है, जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना है, जहां जहां पर रुकावटें हैं उसको खत्म करके आगे बढ़ना है। और जब हमने किसानों की आय दोगुनी करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, ये तो संभव नहीं है, ये तो मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है, निराश करने का एक वातावरण बना दिया। लेकिन हमने तय किया, देश के किसान पर मेरा भरोसा था, अगर हमारे देश के किसान के सामने कोई लक्ष्य रखा जाए, आवश्यक वातावरण पैदा किया जाए, बदलाव लाया जाए, तो मेरे देश का किसान रिस्क लेने को तैयार है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पीएम मोदी ने एक अभियान भी चलाया था। राज्य सरकार भी किसानों की आमदनी डबल करने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण को खेती और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ प्राधिकरण किसान कल्याण के लिए खेती से जुड़ी अलग अलग कमेटियों का भी गठन किया गया है ताकि इनके सुझावों को भविष्य में सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा सके। किसान प्राधिकरण एक सुपर थिंक टैंक का काम करेगा। इसके तहत खारा पानी, जल भराव, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मशरूम फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती, माइक्रो इरिगेशन आएगी। इन सभी विषयों पर कमेटी का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि अलग अलग कमेटियों में संबंधित क्षेत्रों के शोधकर्ता, विशेषज्ञों, राष्ट्रीय अवार्डी किसानों आदि को शामिल किया जाए। ये कमेटियां संबंधित क्षेत्रों पर गहनता से काम करेंगी। कमेटियां सरकार को सुझाव देंगी ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। किसान प्राधिकरण खेती के साथ साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उनके स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सुझाव भी देंगे ताकि किसानों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। किसानों के हित के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसमें सरकार के सदस्यों के साथ साथ खेती, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि के विशेषज्ञों को सदस्यों के तौर पर शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि कमेटियों का गठन जल्द से जल्द किया जाए और प्राधिकरण की अगली बैठक भी जल्द हो। उधर कृषि से जुड़े एक अन्य निर्णय में हरियाणा सरकार ने साल 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बाजरे की न्यूट्री सीरियल के रूप में प्रचारित करने का फैसला किया है। हरियाणा में लगभग 12 लाख एकड़ में बाजरे की फसल होती है। अधिकारियों ने राज्य खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि साल 2021-22 के दौरान केंद्र ने इसके लिए 40.13 करोड़ रुपए का वर्क प्लान मंजूर किया था। इसके तहत किसानों को सर्टिफाइड सीड, क्लस्टर प्रदर्शन खेत, माइक्रो न्यूट्रिएंट और एग्री मशीनरी आदि पर सब्सिडी मुहैया की जाती है। जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है,
किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए जो परंपरागत फसलें करते हैं गेहूं और धान की, उससे अलग काम हमें कुछ करना पड़ेगा। फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी करें, प्रोसेसिंग की ध्यान दें, डेयरी करें, मछली पालन करें, पिगरी करें, ये नई नई चीज़ों से आमदनी बढ़ा सकते हैं। खेती के लिए किसान अभी भी पुराने तरीकों का उपयोग करते हैं, इसकी वजह से उनकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। मनोहर सरकार किसानों को प्रशिक्षण देकर उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। किसान कल्याण प्राधिकरण और गठित होने वाले कमेटियों का उद्देश्य यही है कि वो खेती, बागवानी, पशुपालन और मछली पालन आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करके इन्हें बेहतर बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर अपने विचार दें, जिससे सरकार उन्हें आगे लागू कर सके। हरियाणा सरकार की इस योजना से किसानों को काफी फायदा मिलेगा। खेती और पशुपालन की नई तकनीकों को सीखकर वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। जहां देश में उपलब्धियों की बात की जा रही है, अलग अलग राज्य भी अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं। ऐसे में हरियाणा ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। दरअसल कोरोना काल में प्रभावित हुई हरियाणा की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौट आई है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में अब हरियाणा नंबर वन हो गया है। बड़े राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा पहले पायदान पर पहुंच चुका है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार के नेतृत्व में राज्य में विकास की गाड़ी जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, उसकी वानगी हरियाणा में बढ़ते विकास को देखकर लगाई जा सकती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा राज्य निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर है और इसी कड़ी में हरियाणा अब अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी देश में नंबर वन की उपाधि हासिल कर चुका है। बड़े राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा अब पहले पायदान पर पहुंच गया है। दरअसल कोरोना काल में प्रभावित हुई हरियाणा की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर ही नहीं लौटी है, बल्कि हरियाणा प्रति व्यक्ति की आय के मामले में देश में नंबर वन पहुंच गया है। कमाई के मामले में साइबर सिटी गुरुग्राम के आगे सब फीके हैं, जबकि फरीदाबाद दूसरे नंबर पर काबिज है। वर्तमान में हरियाणा में प्रति व्यक्ति की आय 2.75 लाख रुपए सालाना है। साइबर सिटी गुरुग्राम देश में पहले पायदान पर काबिज हो चुका है। गुरुग्राम में प्रति व्यक्ति की आय करीबन 8.50 लाख रुपए है, जबकि फरीदाबाद इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर काबिज है। एक सर्वे के अनुसार हरियाणा में औद्योगिक शहरों के मुकाबले अन्य जिलों में प्रति व्यक्ति आय बेहद कम है। दक्षिण हरियाणा के मुकाबले उत्तर हरियाणा के जिले आर्थिक रूप से ज्यादा खुशहाल हैं। औद्योगिक शहरों में दूसरे शहरों के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय कहीं ज्यादा है। गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद इकलौता ऐसा जिला है जहां पर प्रति व्यक्ति आय 4 लाख रुपए से अधिक है, जबकि पानीपत 3.67 लाख रुपए के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद है। 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ पंचकुला चौथे स्थान पर है। इसके अलावा सोनीपत, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपए सालाना है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि हरियाणा आजादी के 19 साल बाद अस्तित्व में आया, फिर भी हरियाणा देश के
अग्रणी राज्यों में से एक है। हरियाणा क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से देश का बहुत बड़ा राज्य नहीं है, परंतु देश की अर्थव्यवस्था में हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के विजन को साकार करते हुए गत 7.5 साल में हरियाणा एक, हरियाणवी एक के भाव से हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास किया है। निसंदेह आजादी के बाद राष्ट्र ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हरित क्रांति ने हमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी, वह आज अपनी उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के बल पर न केवल मिसाइलें बना रहा है, बल्कि चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशन शुरू कर रहा है। आज कई क्षेत्रों में पूरा विश्व हमारा लोहा मानता है। भाइयों बहनों, आज मेरा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का ये 8वां अवसर है। पिछले 7.5 वर्षों में हमारी कार्य करने की प्रेरणा का एक ही केंद्र बिंदु रहा है कि कैसे अपने इस समय का एक एक क्षण प्रदेश की जनता की सेवा में लगाया जाए। हमारी सरकार एक स्पष्ट लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। हमने व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभाला है। हमारा व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, सुशासन से सेवा का अभियान, यह अब सबसे पहले सबसे गरीब के उत्थान तक पहुंच चुका है। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर सुशासन से सेवा के संकल्प की बात करते हुए कहा कि संकल्प को निरंतर मजबूती मिली है। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपए वार्षिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में सभी तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपए मासिक कर दी गई है। 27 लाख गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक मुफ्त इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन सामाजिक योजनाओं का ही नतीजा है कि हरियाणा राज्य साल दर साल अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करता रहा है। बीते 8 सालों में अगर हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर नजर डाली जाए तो साल 2014-15 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी, जो 2015-16 में 1,64,963 पहुंच गई। 2016-17 में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 1,84,982 थी, जबकि 2017-18 में ये बढ़कर 2,08,437 पहुंच गई। 2018-19 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय 2,23,015 पहुंच गई, जो 2019-20 में बढ़कर 2,40,507 जा पहुंची। कोरोना काल में हरियाणा के प्रति व्यक्ति की आय डगमगा गई और साल 2020-21 में हरियाणा में प्रति व्यक्ति की आय 2,35,707 पहुंच गई, जो 2021-22 में बढ़कर 2,74,635 तक जा पहुंची। ये आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा राज्य ने तरक्की के नए आयाम को छुआ है, साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है, जिसका नतीजा है कि आज हरियाणा अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।